दक्षिण कश्मीर का पुलवामा जिला बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन की वजह से कश्मीर के आनंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुग्ध उत्पादन वो आनंद शब्द के बीच में क्या समानता है, आइए जानते हैं। आनंद एक जगह है हिंदुस्तान में जहां पर दूध की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। गुजरात के एक जिले का नाम है आनंद। गुजरात में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन की वजह से इस जिले को दूध के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को एशिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक माना जाता है। पुलवामा में 8.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है, जिसे दक्षिण के बनिहाल व उत्तर की विभिन्न घाटियों में आपूर्ति के लिए भेजा जाता है। इस शहर में कम से कम सरकार से मान्यता प्राप्त एक सोसाइटी है। यहाँ पर पहले सोसाइटी जो कॉपरेटिव मिल्क सोसाइटी जो है कोई 62 है रजिस्टर्ड, जो दूध जमा करती है फार्मर्स के थ्रेशोल्ड जाके, मतलब वहाँ घर जाके। संस्थाएं आधुनिक तकनीकी उपकरणों से दूध की गुणवत्ता जांच करती है। दुग्ध उत्पादक केंद्रों को उनके दूध की गुणवत्ता के अनुसार भुगतान किया जाता है। दूध की बिक्री 25 रुपए से शुरू होकर 35 से 40 रुपए तक पहुंच जाती है। पहले श्रीनगर वालों को दूध देते थे वो 25 रुपए लीटर देते थे, आज के टाइम पे जिस हिसाब से फैट आता है उसी हिसाब से रेट भी आता है। पुलवामा में पहले 1.16 लाख पशु थे, जो अब घटकर 98,000 तक पहुँच गए हैं। जो हमारी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन यहाँ पे थी ये 1.16 लाख, इसमें 82,000 ब्रीडेबल पॉपुलेशन जो गाय दूध देती है। लेकिन जो हमारा दूसरा ये हुआ 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, उसमें हमारी पॉपुलेशन आती है 98,000, इसका मतलब कम हुआ है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में हम आनंद कश्मीर से बोलते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी सब में टॉप कर रहा है। पुलवामा में 3 करोड़ लीटर दूध का वार्षिक उत्पादन होता है। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने कई योजनाएं संचालित की हैं, इसकी वजह से युवाओं को इससे रोजगार भी मिल रहा है। डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जो हमारी चल रही है उसमें हम क्या देते हैं, क्या उसमें हम 5 cows, 10 cows, मल्टीप्लाई 5 अप टू 50 cows एक इंसेंटिव दे रहे हैं। उसमें गाय को हम 35,000 rupees मैक्सिमम सब्सिडी कंपोनेंट देते हैं। एट एन एवरेज हमने ये लिया है कि एक गाय की हमने कीमत निकाली 70,000 rupees एट एन एवरेज, उसका 50% बनता है 35,000 rupees। तो हम इस फार्मर को 35,000 rupees देते हैं एज सब्सिडी एक गाय लेने के लिए। जिले में कुल 15 दूध संग्रह केंद्र हैं, जहां सारा दूध इकट्ठा कर घाटी के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाता है। ये डेयरी प्लांट्स हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।